आज जो हम वीडियो कर रहे हैं ये आप सबकी फरमाइश पर थी कि गौरी नाम से जितने भी राग हैं वो एक वीडियो में हमें बताएं। तो ये व्लॉग काफ़ी ज़रूरी है आप सबके लिए। तो जो जो राग मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ आप लिखते भी जाएं, सुरे भी लिख लें, इसका वादी संवादी भी लिख लें, टाइम भी लिख लें। तो राग जो हम पहला कर रहे हैं ये राग है गौरी दीप की, ठीक है। इसका वादी सुर सा है, संवादी सुर इसका पा है, और अरोज है वो उसमें अरोह में जाते हुए 6 सुर हैं, आते हुए 7 सुर हैं, मतलब षाड़ब संपूर्ण है। तो रात का टाइम है, पहला टाइम है रात का गाने का इसका, ठीक है। देखे जरा किस तरह सा ग म प म ध नि सा रे सा, ठीक हो गया। अभी वापसी सा नि ध प ध प म ग पहला राग था। अभी दूसरा राग मैं बताता हूं आपको। अभी जो हम दूसरा राग करेंगे इस राग का नाम है गौरी पूर्वी। तो गौरी पूर्वी का वादी सुर रे है, संवादी सुर इसका पा है, गाने का वक्त जो है वो रात का पहला पैर है, ठीक है। तो इसमें माँ दोनों लगेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह है। ध प नि सा नि ध प म ग म ग रे सा, पकड़। इसकी जाति जो है ये संपूर्ण संपूर्ण ही है, ठीक है। प म ग रे सा हो गया। अभी तीसरा राग शुरू करते हैं। अगला जो राग हम कर रहे हैं इस राग का नाम है राग गौरी दखनी। गाने का वक्त जो है वो सुबह का है, दिन का पहला पैर, वादी सुर रे है इसका, संवादी सुर इसका पा है, जाति जो है इसकी औड़व संपूर्ण है। इसमें गा भी वर्जित है, धा भी वर्जित है। देखे जरा सा रे म प नि सा, सा नि ध प म ग पकड़। सा रे म प ध प म ग रे नि रे ग गणेश। अभी जो हम अगला राग कर रहे हैं इस राग का नाम है गौरी मालवा, ठीक है। इसके ऊपर मैं राग का नाम भी मेंशन कर दूंगा। तो इसका जो वादी सुर है वो रे है, संवादी सुर पा है, जाति जो है इसकी षाड़ब षाड़ब है। गाने का वक्त जो है वो दिन का चौथा पहर है। देखे गौरी मालवा सा रे ग रे
ग म प नी सा। एक दफा आगे सा रे ग रे सा रे ग म प नी सा। आप ऐसे भी आ सकते हैं, आप ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने दोबारा बताया आप ऐसे ही कर लें, ठीक है। सा रे ग रे सा रे ग म प नी सा। अभी अब रो देखें। सा नी प म ग रे सा। देखें रो में आते हुए धा नहीं लगाना आपने, ठीक। सा नी प म ग रे पकड़ ग म प ध सा सा नी प म ग रे सा नी सा। ये राग था। अगला राग हम देखते हैं। अगला जो राग हम करेंगे, इस राग का नाम है राग गौरी भैरव। तो इसकी जो जाति है ये औड़व संपूर्ण है, यानी कि रो में 500 है, अब रो में 700 हुई, ठीक है। तो वो थोड़ा सा घूम के आएगा, मैं बताता हूँ आपको। वादी सुर इसका रे है, संवादी सुर पा है। गाने का वक्त रात का पहर, मतलब रात जब गहरी रात होती, ठीक है। 12-2 के दरमियान। तो ठाट जो है ये भैरव ठाट का राग है, गौरी भैरव। देखे जरा किस तरह सारी मा। देखा सारी मा ये भी नहीं लगा, धा भी नहीं लगा बीच में, ठीक है। जाते हुए धा भी और गा भी वर्जित। देखें जरा सा नी धा प धा प म ग रे नी सा, ठीक है। तो ये था राग गौरी भैरव। अगला राग देखते हैं। अभी जो हम राग करेंगे, इस राग का नाम है राग माली गौड़ा, ठीक है। इसकी जो जाति है ये संपूर्ण संपूर्ण है। ठाट जो है इसकी मारवा है। तो वादी सुर इसका रे है, संवादी सुर इसका पा है। गाने का वक्त जो है वो दिन का चौथा पहर है, ठीक है। गाने का वक्त जो है इसका दिन का चौथा पहर है। वादी सुर इसका रे है, संवादी सुर इसका पा है। राग माली गौड़ा ठाठ मारवा है, ठीक है। देखें जरा सा रे नी धा नी रे ग म ग म ध नी ध सा, ठीक है। अभी हम रो कर लिया इसका, अब रो अभी हम देखते हैं इसका। अभी हम रो हो गया, अब रो देखेंगे। सा रे नी ध प नी म ग रे सा। तो ये था राग माली गौड़ा। तो यार बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, आगे शेयर कर दिया करें आप सबसे। पता नहीं कितनी दफ़ा मैं गुजारिश कर चुका हूँ यही। अभी हम देखते हैं अगला राग। अगला जो राग हम कर रहे हैं, इस राग का नाम है गौरी बेरागण। इसका जो मतलब जाति है ये औड़व है, यानी कि रो में भी 500, अपरो में भी 500। वादी सुर रे, संवादी सुर इसका धा है। गाने का वक्त जो है वो दिन का पहला पहर है। वो देखें किस तरह राग ये
सारे माधनी सा रे माधनी सा अरे हो रो हो गया ब्रो सनी धम रे पकड़ देखें अभी सरे मधनी धम रे नी सा ठीक हो गया। अभी हम अगला राग देखते हैं। अगला जो राग है इस राग का नाम है गौरी चेती। जाति जो है इसकी शाड़ब संपूर्ण है, वादी सुर इसका पा है, संवादी सुर इसका सा है, गाने का वक्त दिन का चौथा पहर। देखे जरा ये किस तरह है, ये अपने पास आप लोगों ने लिख भी लेना ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। सरे ठीक है, अभी वापसी देखते हैं वापसी किस तरह। इसका जो अरोह है वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, वो देख लें आप, फिर अपने पास आप नोट भी करके रख लें सुरों को। सनी ध प ध म प म ध म ग रे ग रे बिल्कुल, मतलब आपने पास आप लिख लें फिर देख लें अरो इसका आए अबरो। सनी ध प ध म प म ध म ग रे ग रे ठीक हो गया, लिख लें अपने पास। इस राग की जो पकड़ है वो भी इसी तरह आएगी। सनी ध प ध म प म ध म ग रे सा ठीक हो गया। अभी हम अगला राग देखते हैं। अगला राग कौन सा है? अभी जो हम राग कर रहे हैं इस राग का नाम है राग गौरी गुरेड़ी। तो इसका वादी सुर जो है वो गा है, संवादी सुर धा है, गाने का वक्त जो है वो रात का पहला पहर है। तो जाति जो है इसकी औड़ब संपूर्ण है, अरों में रे भी नहीं लग रहा और पा भी नहीं लग रहा ठीक है। देखे जरा ये किस तरह है राग गौरी गोरेड़ी। सा ग म ध नी सा ठीक है, फिर देख ले बेशक। सा ग म ध नी सा नी ध म ग रे सा ग रे सा नी रे सा। लो जी, गौरी नाम के जितने भी राग थे वो इस एक वीडियो में मैंने कर दिए। खुदा आप सबको खुश रखे, मौज करें, वीडियो को भी आगे शेयर करें। मैं जिस काबिल था मैंने आपको बता दिया। खुदा आप सबको खुश रखे। शुक्रिया वीडियो पे आने।